ऐसा बहुत कम होता है कि अक्षय कुमार की कोई फिल्म रिलीज होती है और वो पाकिस्तान में बड़ा मुद्दा नहीं बनाती। आप तो जानते ही हैं, अक्षय कुमार की ज्यादातर फिल्में देशभक्ति से ओतप्रोत होती हैं या फिर सच्ची घटनाओं और देश के त्योहारों से जुड़ी होती हैं। वहीं अब अक्षय कुमार की एक और फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन रिलीज हो रही है 11 अगस्त को, जो लाल सिंह चड्ढा से टकरा रही है। अब यहाँ पर अक्षय कुमार की जो फिल्म है रक्षाबंधन, ये राखी के पावन त्यौहार को दर्शाती हुई नजर आएगी और भाई बहन के एक ऐसे बॉन्ड को दिखाएगी जिसके लिए एक भाई कितने सेक्रीफाइसेस करता है अपने सिस्टर के लिए। लेकिन पाकिस्तान में इस फिल्म को वापस से बैन कर दिया। दरअसल अक्षय कुमार की सारी फिल्मों को बैन कर रखा है और बॉलीवुड लगभग जो भी फिल्में रिलीज करता है पाकिस्तान में वो बैन कर दी जाती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं इस फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए भी कह रहे हैं कि इस फिल्म को वो देखेंगे नहीं। वैसे भी वहाँ रिलीज़ तो होगी नहीं, तो देखेंगे भी कैसे? और पाकिस्तान में जितनी भी बॉलीवुड फिल्में देखी जाती हैं वो पायरेसी के थ्रू ही देखी जाती हैं। इसके अलावा अब पाकिस्तान के अंदर एक और बार ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा था कि बॉयकॉट रक्षाबंधन, क्योंकि अक्षय कुमार बीजेपी के बाशिंदे हैं जो कि हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं और इसी वजह से अक्षय कुमार के इस मूवी को वहां पर बॉयकॉट करने की बात चल रही थी। पाकिस्तान मीडिया इस बारे में काफ़ी कुछ कहता हुआ नज़र आया है कि वो मोदी का सपोर्टर है इसलिए उसे बॉयकॉट करना चाहिए। वहीं इसके विपरीत लाल सिंह चड्ढा को वहां पर देखने के लिए अपील भी की जा रही है। आपका क्या मानना है इस बारे में कॉमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएँ और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल।